नमस्कार जी, मैं परवीन अलावत। आप सभी दर्शक देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी। दुष्यंत सिंह चौटाला का बेरी में अभी अभी पूरा जबरदस्त है, बड़ा प्रोग्राम हुआ है। मेरे साथ दादरी से लोकप्रिय नेता हैं, विधायक हैं राजदीप फोगाट, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजदीप जी, सर आपने इनेलो से इस्तीफा दे दिया, जेजेपी पार्टी में आप शामिल हो गए हो, और आपको लेकर सर अटकलों का बाजार थोड़ा सा गर्म है कि राजदीप फोगाट क्या फैसला लेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, एक बार ये स्पष्ट कीजिए सर। मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा बड़ा फैसला लेने वाला नहीं है। पहली मीटिंग थी वहाँ से लेके और आज भाई ऑफिशियल मैंने कल पार्टी को ज्वाइन किया, और मैंने अपनी ज़िंदगी का वोट पहला डॉक्टर अजय सिंह के नाम था, और मेरी जहाँ तक रहेगी जब तक जान है आखिरी वोट भी डॉक्टर अजय सिंह को जाएगी। राजदीप फोगाट, ज़्यादा ईमानदारी की राजनीति आपने की है सर, मतलब क्या कुछ ऐसा सोचते हो कि थोड़ा बहुत चतुर हो जाना चाहिए था, ऐसा बोलती है जनता दादरी की, बेहद ही सिंपल स्वभाव के नेता। सच्चाई तो यही है कि राजनीति लोग बाग दिमाग से करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि दिमाग से काम करना चाहिए, और राजनीति या किसी से संबंध बनाने होते हैं या किसी के लिए आप श्रद्धा रखते हो, किसी के लिए आप काम करते हो, तो वो दिल से करना चाहिए। हम तो सीधे साधे से आदमी, हमारे फादर सीधे साधे टीचर रहे, उनसे यही सीखा। पार्षद थे तो, और आज एमएलए के रूप में मैं आज तो चलो नहीं हूँ, पूर्व में रहा एमएलए, जितना भी मैंने काम कर पाया लोगों के हित में किया कभी, क्योंकि मैंने 5 इलेक्शन लड़े, और ज़िंदगी में कभी कोई ये नहीं कह सकता कि राजदीप तेने उस व्यक्ति का तो 1 रुपये का नुकसान कर दिया और उस व्यक्ति का सम्मान गिरा दिया। मैंने तो अपने ये 2 चीज़ देखी। अभी राजदीप फोगाट जेजेपी में आए थे, अभी बसपा के साथ गठबंधन टूट गया, क्या नए समीकरण बन रहे हैं इनेलो के साथ एक होने के? सर मेरे को तो नहीं लगता कि इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी कहीं राजनीति रूप से मिलेंगी, मेरे को नहीं लगता है। और पारिवारिक रूप से तो वो सदा ही साथ हैं और वो हमेशा ही रहे, और हम सब शुभकामनाएं रखते हैं कि परिवार एक रहे। सर, देश की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, राजदीप फोगाट क्या इसको लेकर चिंतित हैं, क्या आपका स्टैंड है इस चीज़ को लेकर? आर्थिक मंदी पे तो कोई बात ही नहीं करता। मैं आज मान के चला हूँ कि कांग्रेस केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, ना वो बोलती है ना कोई टीवी चैनल बोलता है। कोई भी मंदी की अगर बात करे तो हम दुकानदारों से व्यापारियों से बात करते हैं तो सब भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हैं कि जीडीपी 5 से नीचे आ गई, और भी नीचे आ सकती है, ऑफिशियल 5 है लेकिन कहते हैं कि 3 तक है। तो अगर यहाँ तक ये स्थिति है तो आज नहीं लग रहा है लोगों को, लेकिन 2 महीने या 6 महीने बाद देखना कि लोग वाग दुकानदार तरस जाएंगे ग्राहकों के लिए, ग्राहक नहीं मिलेंगे। 4 अच्छे सवालों के साथ सर एक हमारा तीखा सवाल भी आता है, बीजेपी में बिल्कुल नहीं जाओगे, स्पष्ट कर दीजिए। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टी से नफरत करता हूँ ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। ये थे राजदीप फोगाट, और राजदीप फोगाट को लेकर जो अटकलों का बाजार गर्म था कि राजदीप फोगाट क्या फैसला लेंगे, कम से कम वो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि बेरी से उपेंद्र सिंह कादियान है, बड़ा शक्ति प्रदर्शन यहाँ करके गए हैं, और कहीं ना कहीं दुष्यंत सिंह चौटाला इशारों में उनकी टिकट भी फाइनल करके गए। राजदीप फोगाट यहाँ पर आए हुए थे, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी पार्टी से मैं नफरत करता हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और खून का जब तक आखिरी कतरा राजदीप फोगाट ने कहा उनके शरीर में है, तब तक वो जननायक जनता पार्टी है, उससे जुड़े रहेंगे। इस छोटी सी अपडेट के लिए शुक्रिया।